मंच पर उपस्थित व्याकरण के सूर्य आज इस देश और दुनिया में व्याकरण के सबसे प्रकांड पंडित जिन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे हीरे को जैसे रत्न को भारत माता को समर्पित किया ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं समस्त भारत की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप जी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश व समाज के लिए समर्पित किया, हमारी परम आदरणीय विदुषी बहन डॉक्टर सुमन जी जिन्होंने सुबह सुबह प्रातः की इस बेला में इतना सुंदर योगाभ्यास आपको करवाया, और युवा क्रांतिकारी सन्यासी पूज्य आदरणीय स्वामी गणेशानंद जी महाराज जिन्होंने प्रातः काल से ही आपको कैसे हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है योग प्राणायाम व आसन की क्रिया को आगे बढ़ाया। आज हम मंच से उस महान व्यक्तित्व को भी नमन करते हैं जो आज भारत माता को बेड़ियों से मुक्त करवाने के लिए, भारत माता को जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए, भारत माता को कारागार से बाहर निकालने के लिए खुद देहरादून के कारागार में है। श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को हम यहां से नमन करते हैं, उनके तप को, उनके पुरुषार्थ को हम नमन करते हैं। जेल और क्रांति की अगर बात की जाए, अगर हम पिछले 5000 वर्षों का इतिहास उठाते हैं तो क्रांति और कारागार का बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहा है। अपने भारत में भारत की यूनियन टेरिटरी के नाम से अंडमान निकोबार को जाना जाता है, अंडमान निकोबार जिसको काले पानी के नाम से जाना जाता है और जिसको क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जाना जाता है, वहां पर एक जेल है, सेल्यूलर जेल, जहां पर क्रांतिकारियों को रखा जाता था। 1857 की क्रांति के बाद दोबारा कभी क्रांति ना हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता जिनको अगर अंग्रेज सरकार फांसी की सजा दे तो भी विद्रोह हो सकता है और बाहर छोड़े तो भी विद्रोह हो सकता है, ऐसे 200 क्रांतिकारियों को सबसे पहले 1858 में अंडमान निकोबार की जेल में भेजा गया। और ये 1858 से जो सिलसिला चला उसके बाद लगातार 1942 तक यह सिलसिला चलता रहा। उस अंडमान निकोबार की जेल में जब हम जाते हैं तो जेल की गैलरी से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है और उसके ऊपर वीर सावरकर की ये दो पंक्तियां लिखी हुई हैं जो ये कहती हैं। वीर सावरकर कहते हैं कि भारत में अलग अलग तीर्थ हो सकते हैं, कोई हरिद्वार को तीर्थ मानता है, कोई पुरी को तीर्थ मानता है, कोई बालाजी धाम को तीर्थ मानता है, वो सब हमारे आध्यात्मिक तीर्थ हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय तीर्थ की बात की जाए तो ये सेल्यूलर जेल, ये कारागार संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों का तीर्थ है। वीर सावरकर जो 10 वर्षों तक उस कारागार में रहे, उनके छोटे भाई नारायण सावरकर कारागार में आए और इतनी भयंकर यातनाएं वहां पर दी जाती थी, इतने भयंकर कष्टों में वहां पर रखा जाता था कि वीर सावरकर को 2 वर्ष तक यह पता नहीं लगा कि उनके भाई भी उसी जेल में है, बंद है। तो वीर सावरकर को जब 2 वर्ष बाद अपने छोटे भाई के बारे में पता लगा तो उन्होंने एक कागज का छोटा सा टुकड़ा अपने भाई के पास भेजा। उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा था वो बहुत मंथन करने की बात है। उस कागज के टुकड़े में वीर सावरकर ने अपने भाई के बारे में लिखा, अपने भाई को लिखा कि तू चिंता मत कर, अपने जीवन के विफल हो जाने की चिंता मत कर, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा के लिए अपने शरीर को ईंधन बनाकर जलाना पड़ता है, स्वयं जलकर देश को बचाना पड़ता है, स्वयं जलकर देश को प्रकाशित करना पड़ता है और यह मानव जीवन का सबसे महान कर्म है। वीर सावरकर ने आगे लिखा कि जेल में रहकर तिल तिल करके दीपक की भांति जलना यह सबसे बड़ी समाज सेवा है, सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। शहीद भगत सिंह की अगर बात करें तो शहीद भगत सिंह के अंतिम दिनों में शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और केंद्रीय असेंबली में शहीद भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो अपनी फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह को फांसी हुई और बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा मिली, तो शहीद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक पत्र लिखा। उस पत्र में शहीद भगत सिंह ने लिखा कि मुझे फांसी की सजा हुई है,
ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम्हारे लिए उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमको काला पानी की सजा हुई है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे प्राण बच गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमें देश व दुनिया को दिखाना है, फांसी के ऊपर तो एक बार तकलीफ होती है, हमें दुनिया को दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने उद्देश्य के लिए, अपने देश को बचाने के लिए मर भी सकते हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो तिल तिल जल के जीवित रह सकते हैं। तो शहीद भगत सिंह ने उस समय कहा कि दो प्रकार की कुर्बानी होती है, दो प्रकार के बलिदान होते हैं। एक प्रकार की कुर्बानी तो वो जो गोली खाकर, तलवार से अपना शीश चढ़ाकर या फांसी के फंदे को चूमकर दी जाती है, और एक प्रकार की कुर्बानी वो जो दीपक में बाती की भांति तिल तिल जल के देश के लिए दी जाती है। मैं तो एक बार फांसी के फंदे पर चढ़कर 10 मिनट मुझे पीड़ा होगी, उसके बाद मैं मुक्ति पा जाऊंगा, लेकिन जो क्रांतिकारी जेल में रहकर तप करता है, साधना करता है, उसका बलिदान फांसी का फंदा चूमने वाले बलिदानी से कहीं ज्यादा होता है। तो भाइयों और बहनों, जो वीर सावरकर ने कहा, जो शहीद भगत सिंह ने कहा, आज पूज्य श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज उन्हीं शहीदों की परंपरा को आगे बढ़ाकर जेल में तप कर रहे हैं। जेल और क्रांति और कारागार का, जेल और क्रांति का, परिवर्तन का कितना बड़ा संबंध है, आप इस बात से समझ सकते हैं। विदेशों में जितनी क्रांति हुई है, चाहे हम फ्रांस की क्रांति की बात करें, रूस की क्रांति की बात करें, इटली की क्रांति की बात करें, क्यूबा की क्रांति की बात करें, या और किसी देश की क्रांति की बात करें, सभी देशों की क्रांति में कारागार का, जेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्रांति की ज्वाला जब जब भड़कती है, उसमें कारागार का सबसे बड़ा योगदान होता है। फ्रांस के नेपोलियन की बात करें, जिन्होंने फ्रांस को एक किया, फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस को विश्व में एक बड़े राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, उनको वर्षों तक दूसरे आयरलैंड पर, जैसे अपने यहाँ काला पानी है, वैसे ही फ्रांस के बाहर वहां के काले पानी पर कई वर्षों तक कैद रहना पड़ा। रूस के लेनिन की बात करें तो 1895 से लेकर 1910 तक, 1915 तक वो कभी जेल में जाते रहे, कभी बाहर रहते रहे, कभी दूसरे देशों के अंदर रहते रहे। इसके साथ साथ अगर हम इटली के गैरिबाल्डी की बात करें, क्रांतिकारियों की बात हो और इटली के गैरिबाल्डी की बात ना हो, तो इसका ये लगता है कि ये बात तो अधूरी रही है। इटली के गैरिबाल्डी और मैजिनी, जिन्होंने इटली के 8 हिस्सों को एक किया, उस समय में यह समझा जाता था कि रोम तो बर्बाद हो चुका है, इटली तो बर्बाद हो चुकी है, उसको बचाने का काम किया। उस मैजिनी और गैरिबाल्डी को वर्षों तक जेल के अंदर रहना पड़ा। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो का नाम आपने सुना है, जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, अमेरिका से जो कभी भी नहीं घबराता, उस फिदेल कास्त्रो ने कई महीनों तक, कई वर्षों तक जेल की यातनाएं भोगी हैं। फिदेल कास्त्रो के साथ चेगवेरा की बात की जाए तो वो जेल में रहे हैं। तुर्की के कमाल पाशा की बात की जाए, जिन्होंने आधुनिक तुर्की की नींव रखी, तुर्की जो अंधविश्वासों का देश था, उसको उठाकर आधुनिक राष्ट्र की श्रेणी में लेकर आए। जैसे हम महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसे ही तुर्की में कमाल पाशा को वहां का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उस कमाल पाशा को तुर्की की क्रांति से पहले वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। गोवा के डॉक्टर माशकर की बात की जाए, आप सबको पता है भारत 1947 में आजाद हुआ, गोवा उसके 15 वर्षों बाद आजाद हुआ, तो गोवा की आजादी में जिन डॉक्टर माशकर का सबसे अधिक योगदान था, उनको वर्षों तक पुर्तगाल की जेल में रहना पड़ा, गोवा की आजादी के बाद भी जेल में रहना पड़ा। अमेरिका में दास प्रथा चलती थी 18वीं शताब्दी में, तो उस दास प्रथा को हटाने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था। गैरिसन नाम का एक व्यक्ति था, जिसने दास प्रथा को हटाने के लिए क्रांति की थी, अमेरिका में परिवर्तन की क्रांति की थी, उसको वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। माना विश्व की अगर हम बात करें, तो विश्व के सभी व्यक्तियों को, सभी क्रांतिकारियों को, सभी क्रांतियों के मूल में जेल रहा है, कारागार रहा है। कारागार में जब जब क्रांतिकारियों ने तप किया है, तो देश के करोड़ों लोग जागे हैं और उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है, व्यवस्था परिवर्तन किया है, उन्होंने क्रांति की है। भारत की बात करें तो भारत के अतीत में रावण के पाप को मिटाने में महर्षि
वाल्मीकि से लेकर गोस्वामी तक रामायण में एक ही बात लिखते हैं कि अगर माता सीता को कारागार में नहीं डाला जाता तो रावण के पाप का अंत होना मुश्किल था। भगवान कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ है। छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना है, आपने एक शब्द सुना होगा चोट। आज भी जिससे लोग डरते हैं उसको चोट देते हैं। छत्रपति शिवाजी को उस समय जितने दूसरे राजा थे, विदेशी राजा थे, जितने मुगल राजा थे, उस समय आय का चौथाई हिस्सा देते थे और उस समय से ये चोट शब्द प्रचलन में आया है। चोट शब्द शिवाजी के काल में आया था, उन शिवाजी को जेल में रहना पड़ा। आदिवासी क्रांतिकारी नेता बिरसा मुंडा को जेल में रहना पड़ा, तिलका मांझी को जेल में रहना पड़ा, मंगल पांडे को जेल में रहना पड़ा, खुदीराम बोस को जेल में रहना पड़ा, लोकमान्य तिलक को जेल में रहना पड़ा, महर्षि अरविंदो को जेल में रहना पड़ा, वीर सावरकर, भगत सिंह, उधम सिंह, मदनलाल धींगड़ा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे, जिनको पहला सत्याग्रही कहा जाता है, उनको भी जेल में रहना पड़ा है। लोकमान्य तिलक ने तो अपनी गीता के महाभाष्य की जब बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि गीता को अगर समझना हो तो लोकमान्य तिलक का गीता के ऊपर भाष्य पढ़ें। लोकमान्य तिलक ने अपने भाष्य की रचना कारागार में की थी, जिसने क्रांति का सबसे बड़ा काम किया था। अपने भारत के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े भारत माता के शेर, सबसे बड़े लाडले सपूत की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 11 बार कारागार में रहे। अंग्रेजों ने उनको 11 बार जेल में भेजा, 2 महीने 6 महीने तक रखा, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा जेल में डाल दिया। तो जब वो 16 जनवरी 1941 को अफगानिस्तान के रास्ते, जर्मनी के रास्ते जापान पहुंचे, वो कहते हैं कि अंग्रेज जब जब मुझे जेल में डालते रहे तो मेरी क्रांति करने की इच्छा, मेरी क्रांति करने की भावना, मेरी क्रांति करने की, परिवर्तन करने की, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने की इच्छा बलवती होती रही, दृढ़ होती रही, मेरा संकल्प टूटा नहीं, कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और जब उनको अपने घर में एल्गिन रोड पर नजरबंद कर रखा था, नेताजी को जब नजरबंद करके रखा तो उस नजरबंदी के दौरान ही 16 जनवरी से पहले उन्होंने सोच लिया था कि मुझे जर्मनी जाना है, इटली की सहायता लेनी है, जापान की सहायता लेनी है और आजाद हिंद फौज बनानी है। आजाद हिंद फौज बनाने का संकल्प, सशस्त्र क्रांति करने का संकल्प कारागार से उत्पन्न हुआ था। तो ये कारागार हमारे क्रांतिकारियों की तीर्थ स्थली है, क्रांतिकारियों के लिए जेल जाना गौरव की बात है। अपने भारत में जिनको स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, 1947 के बाद 1972 में आजादी के 25 वर्षों बाद केंद्र सरकार ने यह घोषणा की कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया है हम उनको पेंशन देंगे, हम उनको ताम्र पत्र देंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे। तो स्वतंत्रता सेनानी कौन है, इसकी पहचान कैसे है, तो इसके 3 नियम बनाए गए और उसमें सबसे पहला नियम यही था कि स्वतंत्रता सेनानी वो है जो कम से कम 6 महीने जेल में रहा। तो जो जेल नहीं गया सरकार भी उसको स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती। तो मैं ये कहता हूं कि भारत स्वाभिमान और इस काले धन की लड़ाई के पहले स्वतंत्रता सेनानी परम पूज्य आचार्य जी हैं। आजादी से पहले कुछ लोग जेल में रहे। 1977 में जब इमरजेंसी लगाई गई उस समय भी जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह जी, इनको भी जेल में रहना पड़ा है। तो जेल जाना कोई हीनता की बात नहीं है, जेल जाना अपराध बोध की बात नहीं है। और पूज्य आचार्य जी को किस बात के लिए जेल भेजा गया है? सरकार ये कहती है कि पूज्य आचार्य जी ने फर्जी पासपोर्ट लिया है। आपकी जानकारी के लिए हम मंच से ये बात रखना चाहते हैं कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक पूज्य आचार्य जी का पासपोर्ट कैंसिल नहीं किया है। सीबीआई पूज्य आचार्य जी की जांच कर रही है। सीबीआई का एक नियम है कि कोई एजेंसी उसको सूचना देगी, उसको लगाएगी तो वो जांच कर सकती है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक बार भी पूज्य आचार्य जी के पासपोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाया। सीबीआई एक और आरोप लगाती है, वो कहते हैं कि पूज्य आचार्य जी के पास फर्जी डिग्री है। अब मैं आपसे पूछता हूं,
पूज्य आचार्य जी के पास तो सच्ची डिग्री है, लेकिन मैं एक और सवाल पूछता हूं। अपने भारत में भगवान राम हुए हैं, भगवान राम को पढ़ाने वाले महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, उनको पढ़ाने वाले, उनके गुरुकुल को चलाने वाले महर्षि संदीपनी हुए हैं, आचार्य चाणक्य हुए हैं, उसके बाद की भी अगर बात की जाए तो अपने भारत में महर्षि कालिदास हुए हैं, महर्षि तुलसीदास हुए हैं, और कालिदास की तो एक एक रचना पर शोध हो रहा है। क्या इनमें से किसी भी व्यक्ति के पास कोई कागज का टुकड़ा, कोई डिग्री थी? आप बताइए, भगवान राम के पास कौन सी डिग्री थी? ठीक है, आचार्य चाणक्य के पास कौन सी डिग्री थी? आचार्य तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी? आज जिनके पास डिग्री नहीं थी, उस आचार्य तुलसीदास की रामचरितमानस के ऊपर 100 से अधिक शोध हो चुके हैं, पीएचडी हो चुकी है। चाहे महर्षि चाणक्य, ऋषि चाणक्य जो भारत का निर्माता था, भगवान आचार्य चाणक्य की भूमिका में अब पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। उन अगर आचार्य चाणक्य की बात करें जो उस समय के तक्षशिला, नालंदा और उस समय के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की बात करें तो उनके पास कौन सी डिग्री थी? आज आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पर, आज आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पर, कौटिल्य अर्थशास्त्र पर सैकड़ों लोग शोध कर रहे हैं। अपने भारत की परंपरा रही है, भारत में कभी डिग्री को महत्व नहीं दिया जाता, हमेशा ज्ञान को महत्व दिया जाता है। ये कागज के टुकड़े, ये डिग्री चलाने की परंपरा 18वीं शताब्दी में लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। अपने यहां तो ज्ञान की परंपरा थी, गुरु गुरुकुल में ज्ञान देता था, बिना किसी भेदभाव के देता था। गुरुकुल में शिष्य सब व्यवस्था करते थे, गुरु के मार्गदर्शन में रहते थे, गुरु ज्ञान देता था। और ये पढ़ाई को एक साल दो साल में नहीं बांटा गया था, पढ़ाई को ज्ञान के आधार पर बांटा गया था। कोई ज्ञान को जल्दी प्राप्त कर ले तो उसको पहले गुरु बोलते थे कि अब आप देश में जाओ, समाज में जाओ और सेवा करो। व्यक्ति की पहचान ज्ञान के आधार पर होती थी, डिग्री के आधार पर नहीं होती थी। पूज्य आचार्य जी की डिग्री 100% असली है, लेकिन हम भारतीय परंपरा की बात करें तो यहां डिग्री का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। आज सरकार यह कहती है कि आचार्य जी की डिग्री ठीक नहीं है, तो इसका एक छोटा सा तरीका है। भारतीय न्याय का पुराना सिद्धांत है कि आचार्य के सिलेबस में जो चीजें हैं आप उसकी परीक्षा ले लीजिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आचार्य जी तो अपने नाम के पीछे आचार्य लगाते हैं, आप पीएचडी के सिलेबस की उनकी परीक्षा लीजिए, उसमें आचार्य जी उत्तीर्ण होंगे। आचार्य जी का ज्ञान किसी एक आचार्य की डिग्री के बराबर नहीं है। सैकड़ों आचार्यों को उनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसकी उन सबके बराबर एक पूज्य आचार्य जी का ज्ञान है। भारतीय आयुर्वेद को, जिसको पूरी दुनिया में भुला दिया गया था, उसको दोबारा स्थापित करने का काम पूज्य आचार्य जी ने किया है। कैंसर और एड्स जैसे रोग जिनके बारे में एम्स हॉस्पिटल ये कह देता है कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, आप अपने घर चले जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो, तो ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं, जो दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। वो रोगियों के जब ये पूछने पर कि यहां से हमें उत्तर मिल चुका, दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहां पर हम इलाज करवा सकें, तो हमारे लिए कोई अंतिम रास्ता हो तो बता दो, तो डॉक्टर एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके लिए अंतिम रास्ता भगवान की प्रार्थना करता है, लेकिन आप पतंजलि योगपीठ चले जाओ, आचार्य बालकृष्ण जी से मिल लो, वो आयुर्वेद का आपको कोई रास्ता बता सकते हैं और आपकी जान बच सकती है। और भाइयों और बहनों, ऐसे एक व्यक्ति की जान नहीं बची है, पूज्य आचार्य जी के शोध से, उनके अनुसंधान से लाखों व्यक्तियों के प्राण बचे हैं। कैंसर और कीमोथेरेपी का जो हानिकारक प्रभाव होता है उसको कैसे दूर किया जाए, उस काम को, उसके बचाव का काम, उसके शोध का काम पूज्य आचार्य जी ने किया है। कोई भी कैंसर पेशेंट आप पतंजलि योगपीठ में भेज दीजिए और उसको हम आयुर्वेद की दवाएं देते हैं तो 100% जितना एलोपैथी से लाभ होता है उससे अधिक लाभ आयुर्वेद से होगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी एक क्षेत्र है गौमुख, जहां पर गंगा निकलती है, वहां ऊपर 50-50, 100-100 मकानों के गांव हैं। वो ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर सड़क नहीं है और जहां पर कोई रोजगार नहीं है, जहां पर 6 महीने तक बर्फ पड़ती है। उन सैकड़ों गांवों में
देसी गाय घरों में लोग पालते हैं। पूज्य आचार्य जी ने ये काम किया है, उन सैकड़ों गांव के हजारों व्यक्तियों को रोजगार दिया है। पतंजलि योगपीठ एकमात्र ऐसा संस्थान है जो 12 रुपए से अधिक लीटर में गाय का मूत्र खरीदता है। गाय का दूध गांव वाले पीते हैं और गाय का मूत्र बेचकर उत्तरकाशी के हजारों हजारों गांव हजारों व्यक्ति अपनी आजीविका का पालन करते हैं। ये पूज्य आचार्य जी ने किया है। पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि आयुर्वेद में जितनी भी दवाएं बनाई जाती हैं, वो सब दवाएं, उन सब दवाओं का रॉ मटेरियल, उन सब दवाओं का कच्चा माल किसान के खेत से आता है, जंगल से आता है, और उस जंगल से किसान के खेत से लाने वाला व्यक्ति या तो किसान का खेत होता है या जंगल का आदिवासी वनवासी होता है। एलोपैथी का जितना सामान बनता है, उन सबका रॉ मटेरियल, उन सबके केमिकल या तो विदेशों से आते हैं या फैक्ट्री से आते हैं। एलोपैथी की एक टेबलेट बनाने के लिए, हजारों टेबलेट बनाने के लिए एक दो व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, हजारों व्यक्तियों का शोषण होता है, लेकिन आयुर्वेद की थोड़ी सी दवा बनाने के लिए हमारे गरीब आदिवासी वनवासी को काम मिलता है। नीम की छाल, नीम की निम्बोली, नीम का पत्ता, नीम का फूल, नीम की जड़, धतूरा, आक, गिलोय, ऐसी जड़ी बूटियां जो जंगल में अपने आप उगती है, आदिवासी आज सैकड़ों टन की मात्रा में पतंजलि योगपीठ लेता है और उसके माध्यम से एक तरफ तो रोगियों को कम मूल्य में किफायती दाम में आरोग्य मिलता है और दूसरी तरफ देश के किसानों को, देश के आदिवासियों को, देश के वनवासियों को रोजगार मिलता है। और ये सारा कार्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने किया है। एलोवीरा, एलोवीरा की बात की जाए या सारी दवाओं की बात की जाए, तो एलोवीरा पहले मल्टीनेशनल कंपनियां 1200 रुपए का एक लीटर अपने भारत में बेचती थी। पतंजलि योगपीठ ने 180 रुपए का एक लीटर उससे अधिक अच्छा उपलब्ध करवाया है। 1500 से लेकर 1500% तक पतंजलि योगपीठ की औषधियां अच्छी हैं, सस्ती हैं, और ये सारा काम करने का श्रेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को जाता है। पूरे भारत में और विदेशों में 1000 से अधिक सेवा केंद्र हैं और उसमें 2000 से अधिक वैद्य आयुर्वेद का निशुल्क परामर्श देते हैं, निशुल्क रोगियों की जांच करते हैं, निशुल्क उनको योग प्राणायाम बताते हैं। और हम सबसे पहले कहते हैं कि आपके रसोई घर में आपकी मेथी, आपकी सौंफ, आपकी काली मिर्च, ये सारे मसाले हैं, इनसे आप उपचार कर सकते हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज को कहते हैं कि आपके भीतर सारी दवाएं हैं, आपको कोई भी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बीमार होना महापाप है, बीमार होना अपराध है। तो ये सारा मंत्र पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया है। देश की सेवा का ये बड़ा काम आचार्य जी ने किया है। अब 5 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, जिस एजेंसी ने पूज्य आचार्य जी महाराज की जांच की है उसकी अगर मैं बात करूं तो सीबीआई, 1941 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, दिल्ली पुलिस एक्ट। उस दिल्ली पुलिस एक्ट के आधार पर सीबीआई का गठन किया गया। सीबीआई के रिकॉर्ड में अगर हम जाएं तो सीबीआई की सारी कार्यप्रणाली उस एक्ट के आधार पर है और वो अंग्रेजों का बनाया हुआ सड़ा हुआ गला हुआ कानून है। सीबीआई के ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। सीबीआई के एक ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं भाई श्री बी आर लाल जी, वो हमारे मंच पर भी आते रहे हैं। पिछली बार जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ 8 अगस्त, पिछली बार 15 अगस्त से जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ और अन्ना जी को जब जेल में डाल दिया गया, तो पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए गया था। उसमें हरियाणा के लोकायुक्त पूज्य स्वामी जी महाराज और दूसरे देश के जाने माने लोग थे, उसमें भाई बी आर लाल जी भी थे। और उस समय स्वामी जी महाराज ने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय को कि हमारे साथ तो सरकार ने क्रूरता की है, लेकिन और किसी के साथ क्रूरता ना हो। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी उस समय यह आश्वासन दिया कि अब इस आंदोलन में पुलिस डंडे लेकर भी नहीं आएगी। तो पिछले साल अगस्त आंदोलन के मूल में हमारे कार्यकर्ताओं का, इन सारे सत्याग्रहियों का हाथ है जिन्होंने अपने सीने पर डंडे खाए, लेकिन उन्होंने एक बार डंडे खाए, एक बार प्रहार झेला तो कोर्ट ने भी यह व्यवस्था की कि आगे से किसी भी आंदोलन को सरकार क्रूरता के साथ कुचलेगी नहीं।
तो भाई बी आर लाल जी कई बार पतंजलि योगपीठ में भी आते रहे हैं। भाई बी आर लाल जी ने एक पुस्तक लिखी है, हु ओन्स सीबीआई, माना सीबीआई किसके नियंत्रण से चलती है। तो उसमें भाई बी आर लाल जी साफ साफ लिखते हैं, वो कहते हैं कि सीबीआई जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बनाई गई थी, अब खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज सीबीआई को खुद अपनी जांच करने की आवश्यकता है। ये एक बी आर लाल जी जो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं उनकी टिप्पणी है। और सीबीआई के बारे में एक बहुत अच्छी टिप्पणी, राजस्थान हाई कोर्ट की एक सदस्यीय पीठ, एकल पीठ के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा जी ने किया है। उसने जब एक केस में सीबीआई की कार्यप्रणाली देखी कि ये राजनीतिक आकाओं की कठपुतली बन चुकी है, तो उसने कहा है, और आप इसको खोज सकते हैं समाचार पत्रों में, अप्रैल का समाचार पत्र है जिसको आप ढूंढ सकते हैं, उसने कहा है, आप सब ध्यान से सुनना, कि सीबीआई को चेतावनी देते हुए, सीबीआई को हड़काते हुए, सीबीआई को डांटते हुए, सीबीआई को झपटते हुए कहा है कि तुम किसी किसी अपराधी को तो सलाम ठोकते हो, किसी अपराधी को चाय पिलाते हो, बिरयानी खिलाते हो, और किसी किसी व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को बिना बात के प्रताड़ित करते हो। उन्होंने आगे कहा कि उनका, उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि उनका अब सीबीआई में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया है, सीबीआई ने खुद अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। यह मात्र एक राजनीतिक कठपुतली बन चुकी है। और उन्होंने जो अंतिम लाइन कही है वो याद रखने की है, वो हमारे इस आंदोलन की मुख्य मांग है कि अब समय आ चुका है। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा जी जो राजस्थान हाई कोर्ट के हैं, वो कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि सीबीआई को बंद कर दिया जाए। सीबीआई के एक और भूतपूर्व निदेशक रहे हैं भाई जोगेंद्र सिंह जी, आपने उनकी बहुत सी पुस्तकें देखी होंगी, सिख परिवार से हैं, सरदार जी हैं, अक्सर टीवी पर आते रहते हैं। उन्होंने अपनी कई पुस्तकें लिखी हैं और बार बार कहा है कि जब जब मैं बोफोर्स का की जांच करता हूं, जब जब भोपाल गैस कांड की जांच मैंने आगे बढ़ाई, तो सैकड़ों राजनेताओं के फोन मेरे पास आते रहे और वो दबाव देते रहे कि एंडरसन को बाहर जाने दो, भोपाल गैस कांड की जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई ना करो, उसकी जांच को ढील देते रहो। तो सीबीआई के अंदर के व्यक्ति खुद ये कहते हैं, और अभी थोड़े दिन पहले आपने एक मामला सुना होगा, रेड्डी बंधु, उनके ऊपर सीबीआई ने रेड की, सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हीं रेड्डी बंधुओं की जांच जिस सीबीआई कोर्ट में हो रही थी, उस सीबीआई कोर्ट के जज को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्योंकि उसने रिश्वत लेकर अपने कार्य के साथ ईमानदारी नहीं बदली, उसने रेड्डी बंधुओं को बेल दे दी। हसन अली का नाम आपने सुना है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, परिवर्तन निदेशालय ने 1000 पन्नों की फाइल कोर्ट में दाखिल की और ये कहा कि हसन अली अब तो बच नहीं सकता। उस हसन अली की जांच पर, उस ईडी की जांच पर जो पतंजलि योगपीठ को नोटिस देता है, उस ईडी के ऊपर सरकार, सुप्रीम कोर्ट, उस ईडी के ऊपर कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि ईडी की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, हसन अली के मामले पर और तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भ्रष्टाचार किया, मंच की गरिमा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए, आज उनको बेल दी जा चुकी है, लेकिन पूज्य आचार्य जी जेल में है। हमारे लिए जेल तीर्थ है, तब का स्थान है, हम कारागार में रहेंगे तो ही भारत माता की बेड़िया कटेगी, तो ही भारत माता कारागार से बाहर निकलेगी। और भाई आज 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और विदेशों में नेताजी ने भी उसका अनुमोदन किया था। और 9 अगस्त को ही काकोरी दिवस है। इतिहास की पुस्तकों में हमें पढ़ाया जाता है कि 9 अगस्त काकोरी कांड है, 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह है। हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना, 9 अगस्त काकोरी शौर्य दिवस है, काकोरी कांड दिवस नहीं है। और 9 अगस्त काकोरी शौर्य दिवस के नायक
पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को हम नमन करते हैं और शहीद चंद्रशेखर आजाद के वंशज उनके परिवार से भाई सुजीत कुमार तिवारी जी, भाई सुजीत कुमार आजाद यहां पर है लखनऊ से। मैं चाहूंगा वो पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ले मंच पर आकर और सभी 7,32,000 शहीदों के सभी वंशजों का, सभी उनके उत्तराधिकारियों की शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इस आंदोलन के साथ हैं। और भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ एकमात्र ऐसी संस्था है जब मुंबई में दे भारत माता की छाती पर पाकिस्तान ने हमला किया तो उसमें शहादत देने वाले अपने सीने पर गोली खाने वाले शहीदों का सबसे पहले सम्मान पतंजलि योगपीठ ने किया, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया। इनकलाब जिंदाबाद के साथ भाई सुजीत कुमार जी नारा लगा रहे हैं, बोलिए इनकलाब इनकलाब हिंदुस्तान भारत माता की। यद्यपि ये कोई लाखों में एक संयोग होता है, लाखों में एक दुर्योग होता है, कोई एक व्यक्ति भगवा पहनकर भगवा वस्त्रों के विपरीत आचरण करता है, हिंदुस्तान के लाखों लाखों सन्यासियों ने जब जब समाज ने दिशा बदली है तब तक समाज को दिशा देने का काम किया है। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाले, पहले विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह था। तो सन्यासियों की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं पूज्य स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज को। भारत में एक बड़ा संगठन है साधु समाज का, अखिल भारत साधु समाज, उसके अध्यक्ष हैं और आंदोलन को समस्त लाखों साधुओं की ओर से समर्थन दे रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस विश्वास के साथ, इस हौसले के साथ कि पूरा साधु समाज, सभी धर्म, चाहे हिंदू की बात हो, मुसलमान भाई की बात हो, सिख ईसाई भाई की बात हो, सभी व्यक्ति इस आंदोलन में